हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो गई अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 में हमारे पास क्या है डेरिवेटिव कोई भी हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आ जाएंगे या अदर कोई भी पॉलिनोमियल है उनका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे या डिफ्रेंशेट या डेरिवेटिव सेम है हमारे पास देखो कैसे उसके कुछ फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं जो मैं आपको बता देती हूँ पहले डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस डेरीवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन डी बाई डी एक्स इंटू सी सी हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट और कभी भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा हमारे पास जीरो सेकेंड है डेरीवेटिव ऑफ एक्स की पावर n कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर कोई भी n n नेचुरल नंबर है हमारे पास ठीक है नेचुरल नंबर है एन है कोई भी हो सकता है n हमारे पास क्या है कोई भी नंबर कैसे सॉल्व करेंगे जो भी हमारे पास पावर दे रखी है पावर को आगे लेके आएंगे एन एक्स और ऊपर भी जो पावर थी उसमें से एक कम कर देंगे एन एक्स की पावर एन माइनस वन साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्केयर एक्स सेक और cot एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक्स x एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स उसके बाद इनवर्स के लिए हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आएगा इज इक्वल टू वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्केयर कॉस का हमारे पास माइनस वन बाई रूट वन माइनस एक्स के साइन में पॉजिटिव आएगा और कॉस में ये नेगेटिव आएगा टेन इनवर्स एक्स का वन बाई वन प्लस एक्स केयर और कोट का नेगेटिव हो जाएगा माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्केयर सेक्स इनवर्स एक्स का वन बाई एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस वन का रूट और जब cosec का निकालेंगे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस वन ये है हमारे पास उसके कुछ फॉर्मूले आप नोट कर लेना पहले उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे उसके बाद है डेरीवेबिलिटी एट ए पॉइंट किसी भी एक पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं कैसे पता करेंगे ए फंक्शन इज सेट टू बी डेरिवेबल एक फंक्शन को हम डेरिवेबल या डिफरेंशियबल बोलेंगे एट ए पॉइंट सी किसी पॉइंट सी पे कब जब लिमिट एक्सटेंड्स टू सी माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल होगी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी और एफ डैस सी के इक्वल आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैसे सी इसी तरह प्लस में लगा देंगे कि राइट right हैंड के इक्वल आ जाए बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल आ जाए एंड दिस कॉमन लिमिट इज कॉल्ड एफ डैस सी फिर इन दोनों की कॉमन लिमिट क्या आ जाएगी एफ डैस सी तो उसको फंक्शन को हम क्या बोल देंगे डेरिवेबल अदरवाइज नोट डेरिवेबल अगर इक्वल नहीं आता है तो डेरिवेबल नहीं है इक्वल आता है तो क्या बोल देंगे फंक्शन इज ए डेरिवेबल अब करेंगे एक्सरसाइज एक्स

तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में एक्स के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस और एंगल एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई फिर हम किसका करेंगे एंगल का एंगल हमारे पास क्या एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा टू एक्स और प्लस फाइव का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा टू एक्स की मल्टीप्लाई कर लिया टू एक्स कॉस एक्स स्केयर प्लस फाइव नेक्स्ट है हमारे पास कॉस साइन एक्स लेट वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स अब जो कॉस दे रखा उसी के एंगल में क्या है साइन एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ कॉस इन टू साइन एक्स डीवाई बाई डी एक्स कर दिया कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन और एंगल एज इट इज रहेगा जब हम फंक्शन का करेंगे तो एंगल एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई में फिर हम एंगल का करते हैं तो कोस का क्या आ जाएगा माइनस साइन और एंगल एज इट इज मल्टीप्लाई फिर एंगल क्या है साइन एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कोसेक्स क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन इंटू साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कोसेक्स नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड साइन ए एक्स प्लस बी सबसे पहले इसको वाई के इक्वल रखेंगे कि वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस वाई का कि डी वाई बाई एक्स डी एक्स आ जाएगा और इसका डी बाई डी एक्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इसका मीनिंग होता है डेरिवेटिव इस फंक्शन का साइन का क्या आ जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस हो गया साइन का और फंक्शन का जो एंगल है वो एज इट इज मल्टीप्लाई ए एक्स का x का हमारे पास क्या होता है वन होता है और a का क्या आ जाएगा एज इट इज ए क्योंकि मल्टीप्लाई में है प्लस ए की और वन की मल्टीप्लाई प्लस b का हमारे पास जीरो हो जाएगा तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई a आ जाएगा cos ऑफ ए एक्स प्लस बी नेक्स्ट है sec टेन रूट एक्स y इज इक्वल टू सेक ऑफ टेन रूट एक्स डेरीवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों साइड हमने डेरीवेटिव कर दिया y का डेरीवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स उसके बाद हमारे पास सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू क्या आता है सेक एक्स इन टू टेन एक्स तो क्या आया सेक का क्या आ जाएगा सेक एक्स सेक एक्स की जगह क्या है एंगल हमारे पास क्या है टेन रूट एक्स इसी तरह फिर टेन और टेन रूट एक्स एंगल है ये दोनों हमारे पास डेरिवेटिव हो फिर हमारे पास एंगल क्या है टेन रूट x उसका कर देंगे tan रूट x का डेरिवेटिव ये एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई tan का क्या आ जाएगा सेक्स स्केयर रूट एक्स और रूट एक्स का क्या करेंगे वन बाई टू रूट एक्स अब हम इसको सिंपलीफाई करके लिख देंगे सेक ऑफ टेन रूट एक्स tan ऑफ tan रूट x एंड सेक्स स्केयर रूट एक्स डिवाइडेड बाई टू रूट एक्स नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी ये हमारे पास फंक्शन है यू बाई वी डेरिवेटिव हम कर रहे हैं किसका यू बाई वी एक यू फंक्शन एक वी फंक्शन है जब बाई में हमारे पास आता है तो क्या करते हैं वी स्केयर वी का स्केयर कर देंगे वी एज इज रखेंगे मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ u माइनस यू इट इज रख लिया डेरिवेटिव ऑफ v ये हमारे पास उसका फॉर्मूला है u बाई वी कोई भी बाई का फंक्शन आता है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं देखो ये बाई में फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करेंगे वी स्केयर सबसे पहले हमने क्या कर दिया v v हमारे पास क्या है cos ऑफ सी एक्स प्लस डी तो इसका स्केयर लिख देंगे फिर क्या है v एज इट इज रख दिया हमने डेरिवेटिव ऑफ u u हमारे पास क्या था साइन ए एक्स प्लस बी साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और ए का एक्स का डेरिवेटिव a माइनस फिर वी को यू को एज इट इज यू हमारे पास क्या था साइन ए एक्स प्लस बी वी का डेरिवेटिव वी हमारे पास क्या है कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी कोस का क्या आ जाएगा माइनस साइन और सी एक्स प्लस डी और सी एक्स इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास से सी क्या आ जाएगा सी मल्टीप्लाई कर दिया इसका क्या आ जाएगा ए कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस माइनस माइनस प्लस ये हमारे पास क्या आएगा सी को साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस ए डी एज इज रख देंगे हम ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास से कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क एक्स की पावर फाइव अब दो फंक्शन आ गए यू इंटू वी आ गए ना दो फंक्शन अब हम दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का डेरिवेटिव यू इन टू वी कैसे करेंगे फर्स्ट एज इज रख लिया डेरीवेटिव ऑफ ए सेकेंड प्लस है एज इट इज रख लिया डेरिवेटिव ऑफ ए फर्स्ट एक बार फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव कैसे करेंगे देखो लेट वाई इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब कोस एक्स क्यूब एज इज रख लिया सेकेंड का डेरिवेटिव कर दिया प्लस है सेकेंड को इट इज रख लिया और फर्स्ट का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स सोल्व कर देंगे कॉस एक्स क्यूब एज इज़ इसका डेरिवेटिव करेंगे पहले साइन के ऊपर पावर है पावर का डेरिवेटिव करेंगे टू आ आ जाएगा साइन एक्स की पावर फाइव पावर का डेरिवेटिव हो गया उसके बाद हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस और एंगल एज इज़ फिर एंगल क्या एक्स की फाइव एक्स की फाइव का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा पावर आगे आ गई और पावर एक कम कर दी फाइव एक्स की पावर फोर प्लस ये एजट इज आएगा साइन स्केयर एक्स की पावर फाइव इन टू इसका डेरिवेटिव करेंगे कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी थ्री एक्स स्केयर इसमें से एक पावर कम कर दी हमने अब देखो फाइव और टू की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा फाइव टू जहा टेन एक्स की पावर फोर और कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर फाइव कॉस एक्स की पावर फाइव माइनस इसके मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स स्केयर बाहर लिख लिया हमने साइन स्केयर एक्स की फाइव और साइन एक्स क्यूब ये था हमारे पास यू इन टू वी के लिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन लेट वाई इज इक्वल टू टू रूट ऑफ कोट एक्स स्केयर रूट के अंदर दे रखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो गया टू हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है आगे लिख लिया हमने टू को इन टू फिर हम डेरिवेटिव करेंगे कॉर्ट ऑफ एक्स स्केयर का कैसे ये एज इट इज अब देखो इसकी हमारे पास पावर है कॉर्ट ऑफ एक्स स्केयर की पावर कितनी है रूट है रूट मीन्स हाफ है अगर हाफ का हम डेरिवेटिव करते हैं तो कैसे करते हैं जैसे हमारे पास रूट एक्स है रूट एक्स का हम डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स करेंगे रूट का तो कैसे करेंगे एक्स की पावर कितनी है हमारे पास है वन बाई टू वन बाई टू पावर को आगे लेके आएंगे और उसमें से एक कम कर दिया हमने वन बाई टू एक्स की पावर कितनी बचेगी माइनस वन बाई टू फिर माइनस पावर को प्लस करने के लिए हम उसको नीचे लेके आते हैं क्या लिख देंगे वन बाई टू एक्स की पावर वन बाई टू और वन बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं रूट भी लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख देंगे रूट है. कोई भी है चाहे इसके अंदर फिर कोट एक्स है कोस एक्स है साइन एक्स है कुछ भी है ऐसे लिख देंगे जो पावर का करेंगे वन बाई टू रूट जो भी हमारे पास अंदर फंक्शन है तो अब देखो कोट है रूट के अंदर है रूट का कर दिया तो क्या आया वन बाई टू रूट के अंदर जो फंक्शन था एज इट इज लिख दिया मल्टीप्लाई फंक्शन क्या है कोट कोट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्र और ये एंगल एज इट इज मल्टीप्लाई फिर एंगल हमारे पास क्या है एक्स स्केयर एक्स स्केयर का क्या आ जाएगा टू अब टू से टू कैंसिल हो जाएगा क्या आया माइनस टू क्वेश्चन नंबर एट कॉस रूट एक्स लेट वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स डिफ्रेंशियट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे वाई का क्या आ जाएगा हमारे पास डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस रूट एक्स अब हमारे पास कॉस का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एंगल एज इट इज लिख दिया रूट एक्स रूट एक्स का करेंगे मल्टीप्लाई में वन बाई टू रूट एक्स तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई टू रूट एक्स इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे क्यों क्योंकि ये साइन का एंगल है और ये अकेला है पास, हमारे पास ठीक है अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन और टेन में हमारे से पूछा गया है डिफ्रेंशियबल और नॉट डिफरेंशियबल प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू वन आपको बोल रखा है कि फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा किसके लिए एक्स इज इक्वल टू वन के लिए ये हमें प्रूव करना है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है मोड ऑफ एक्स माइनस वन इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया टू प्रूव हम क्या प्रूव करेंगे कि एफ एक्स इज नॉट एट एक्स इज इक्वल टू वन के लिए सबसे पहले हमने पुट किया कि जो भी हमें वन के लिए अप्लाई करना है तो फंक्शन के अंदर वन पुट किया एक्स इज इक्वल टू वन कर दिया ऑन फर्स्ट फर्स्ट में पुट किया एफ वन क्या आ जाएगा मोड ऑफ वन माइनस वन वन में से वन जाएगा जीरो ये हमारे पास आ गया फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं कि एफ डैश वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स एक्सटेंस टू वन माइनस एच एफ एक्स माइनस एफ वन बाई एक्स माइनस वन f dash 1 is equal to limit h tends to 0. फंक्शन फंक्शन हमारे पास क्या है एफ एक्स एफ एक्स हमारे पास क्या है, मोड ऑफ एक्स माइनस वन मोड ऑफ एक्स एक्स की जगह हम क्या रखेंगे वन माइनस एच माइनस वन माइनस एफ वन हमने ऊपर निकाला था क्या आया जीरो एक्स की जगह क्या पुट किया वन माइनस एच माइनस वन वन से वन कैंसिल यहाँ भी वन से वन कैंसिल अब माइनस एच का मोड है मोड है तो क्या आएगा एच आएगा बाई में क्या माइनस एच एच से एच कैंसिल हो गया बचेगा क्या माइनस वन इसी तरह से फिर हम राइट हैंड लिमिट के राइट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या आएगा आर एफ डैश वन निकाल लेंगे आर एफ डैश वन के लिए भी हमारे पास सेम है लिमिट एक्सटेंस टू अब हम वन माइनस के बजाय क्या करेंगे वन प्लस एच एफ एक्स माइनस एफ वन बाई एक्स माइनस वन एफ एक्स क्या है हमारे पास मोड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस एफ वन बाई एक्स माइनस वन एक्स की जगह हम क्या अप्लाई करेंगे वन प्लस एच माइनस वन माइनस एफ वन हमारे पास जीरो है एक्स की वैल्यू वन प्लस एच माइनस वन वन से वन कैंसिल हो जाएगा एच का मोड है क्या आएगा एच और बाई में एच एच से एच कैंसिल सेल वन आया एफ वन हमारे पास कितना आया था एफ वन हमारे पास जीरो था और लेफ्ट एंड डेरिवेटिव हमारे पास कितना आया था लेफ्ट एंड डेरिवेटिव माइनस वन आया था राइट हैंड डेरिवेटिव वन आया कोई भी इक्वल नहीं है तो क्या बोल देंगे एफ एक्स इज नॉट डिफ्रेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू वन एक्स के लिए फंक्शन डिफ्रेंशियबल नहीं है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन बाई आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन किया गया है एफेक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स की वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है जीरो से थ्री इज नॉट डिफ्रेंशियबल एटैक्स इज इक्वल टू वन और टू जीरो और थ्री के बीच में कौन आएगा वन और टू आएगा तो ये बताना है कि फंक्शन वन और टू के लिए डिफ्रेंशियबल नहीं है कैसे पीछे हमने अप्लाई किया था उसी तरह पहले वन के लिए कर देंगे फिर टू के लिए प्रूव करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स पुट एक्स इज इक्वल टू वन वन अप्लाई कर देंगे तो एफ वन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वन पुट कर दिया क्या आएगा वन आ गया फिर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई कैसे होता है वो बताती हूँ मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था आपको फाइव पॉइंट वन में फिर बता देती हूँ क्या है जैसे हमारे पास वन प्लस जीरो पॉइंट वन है तो इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू देगा एक कम्प्लीट वैल्यू देगा वन और अगर इसी में ये है हमारे पास नाइन्टी नाइन तो इसमें भी क्या देगा कंप्लीट वैल्यू टू तो दूसरा हमारे पास एक है टू माइनस ज़ीरो पॉइंट वन और एक है टू माइनस जीरो पॉइंट नाइन्टी नाइन टू में से कुछ कम कर दिया वन पॉइंट समथिंग आएगा और वन पॉइंट समथिंग आ गया तो कंप्लीट क्या है वन यहाँ भी क्या देगा ये वन इस तरह से हम करेंगे इसको देखो कैसे लिमिट एक्सटेंस टू वन माइनस एच एफ एक्स माइनस एफ वन बाई एक्स माइनस वन एफ एक्स एक्स की जगह हमारे पास क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स में हमने क्या कर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वन माइनस एच माइनस एफ वन वन हमारे पास क्या है वन बाई एक्स की जगह वन माइनस एच माइनस वन वन से वन कैंसिल हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वन में से कुछ कम कर दिया हमने वन में से कम कर दिया देखो टू में से कुछ कम किया था तो टू में से एक कम करके हमने वन ले लिया तो वन में से वन माइनस कर दें कितना आएगा जीरो तो यहाँ पे कितना आएगा जीरो पॉइंट समथिंग आएगा तो कंप्लीट वैल्यू क्या होगी जीरो माइनस वन बाई माइनस एच ये क्या आ जाएगा माइनस वन बाई माइनस एच और वन एच की वैल्यू क्या है जीरो वन बाई जीरो वन बाई ज़ीरो आ गया तो क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव आ गया तो क्या बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट की है हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं है सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल क्योंकि हमारे पास एफ वन क्या आया था वन आया था बट लेफ्ट एंड डेरिवेटिव निकाला वो क्या आ गया डज नॉट एग्जिस्ट तो क्या बोल देंगे एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियेबल एट एक्स इज इक्वल टू वन के लिए अब इसी तरह से हम डिफरेंशिएबल प्रूव करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू टू के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पुट कर दिया एक्स इज इक्वल टू टू एफ टू टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या आएगा टू लेफ्ट डिवेटिव निकाल लेंगे एल एफ डैश टू इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट टू टू माइनस एच कर देंगे लेफ्ट एंड में माइनस करते हैं एफ एक्स माइनस एफ टू बाई एक्स माइनस टू एफ एक्स क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स एक्स की जगह क्या कर दिया टू माइनस एच माइनस एफ टू हमने निकाला क्या आया टू एक्स की जगह टू माइनस एच और माइनस टू टू से टू कैंसिल कर दिया हमने ऊपर क्या आएगा टू माइनस एच टू में से कुछ कम कर दिया कम कर दिया तो क्या आएगा वन आएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वन माइनस टू बाई माइनस एच माइनस वन बाई माइनस एच माइनस से माइनस कैंसिल और एच की जगह क्या रखेंगे जीरो तो वन बाई ज़ीरो और ज़ीरो आ गया तो क्या आ जाएगा इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव आ गया तो क्या बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इज इक्वल टू टू के लिए भी फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है इसलिए हम क्या लिख देंगे वी निड नॉट फाइंड आर एफ डैस टू एज एल एफ लिमिट एफ डज टू डज नॉट एग्जिस्ट जब हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट आ जाते हैं तो उसके बाद हमें राइट हैंड डेरीवेटिव निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा हमारे पास फंक्शन ओके okay, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू थैंक यू